सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम जहां पहुंच गए हैं, जिस सिटी पहुंच गए हैं, लास्ट वीडियो आपको आपने अगर देखी होगी तो आपको पता होगा मैं किस सिटी में हूं। लेकिन जिस सिटी में हम पहुंच गए हैं उस सिटी से मुझे प्यार बहुत है, वो मेरा प्यार है। और मैं वहां आके इतना एक्साइटेड होता हूं, जैसा कि आप मेरे चेहरे पे देख रहे होगे, एक्साइटमेंट और खुशी। अभी सवेर तक मेरा मूड ऑफ था, यहां आके मेरा मूड एकदम ऑन हो गया है। और इस शहर को मैं अपनी सेटिंग से 10 गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ। पर एक मिनट यार, क्या बोल गया मैं, मेरी तो कोई सेटिंग ही नहीं है यार। अरे कोई बात नहीं, फॉरगेट दिस। तो अभी मैं हूँ हावड़ा में हूँ, और पीछे आप देख पा रहे होंगे हावड़ा ब्रिज। तो अभी मैं हावड़ा में हूँ, और हम लोग की शाम की ट्रेन थी यहाँ से कोलकाता से न्यू कोच बिहार की। तो हमने सोचा थोड़ा घूम घूम लेंगे और थोड़ा वीडियो बना लेंगे। और मुझे तो प्यार ही बहुत है इस शहर से यार, तो मैं आ गया। तो हावड़ा ब्रिज के बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो हावड़ा ब्रिज 1943 में निर्माण किया गया था, तब उसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज के नाम से रखा गया था। फिर उसी टाइम उसका नाम चेंज करके बाइक वाला हाथ पे मार गया यार। फिर उसी टाइम उसका नाम चेंज करके पोंटून सेतु के नाम से रखा गया। और फिर 1965 में इसका नाम चेंज किया गया, और हमारे देश के महान कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रविंद्रा सेतु इसका नाम रखा गया, जो कि अभी भी करंट इसका नाम रविंद्रा सेतु ही है। आप हावड़ा ब्रिज पे देखोगे ध्यान से, तो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है रविंद्रा सेतु का, पर हम लोग सब लोग इसको हावड़ा ब्रिज से जानते हैं। और दोस्तों, इसमें एक और बात मेंशन करना चाहूँगा कि जो हावड़ा शहर है, रोड पे यार यही बात है ना, मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, जो हावड़ा शहर है वो अपने हावड़ा और कोलकाता, लोगों को लगता है हावड़ा और कोलकाता एक ही शहर है, ऐसा नहीं है। हावड़ा अपने आप में एक शहर है और कोलकाता अपने आप में एक शहर है। और ये ब्रिज इसीलिए बनाया गया था, हावड़ा से कोलकाता को जोड़ने के लिए ही हावड़ा ब्रिज बनाया गया था। तो ये बात आप लोग याद रखना, ये बात मतलब बहुत ही काम की आपके लिए हो सकती है, जिसको नहीं पता होगा। तो अभी हम लोग वहीं पे हैं, अभी चलते चाय पानी पीते हैं। यहाँ हावड़ा ब्रिज पे बहुत ही सब्जियों की मार्केट लगती है, बहुत ही मतलब क्वांटिटी में। और ये लोग सब्जी जो भी लोग हैं, मतलब रिटेलर लोग कह रहे हो यार, गरीब लोग कहना सही नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में कोई गरीब नहीं है, और वही लोग हैं। और हावड़ा इधर ब्रिज पे काफ़ी भीड़ भी रहता है, और हवा भी चल रही है, इसलिए माइक के पास मुँह करके बैक कैमरे से दिखा के बोल रहा हूँ। और ये सन अपना डूबता हुआ। तो दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि कुछ टाइम रह गया ट्रेन में मेरे, और थोड़े टाइम के लिए था, तो मैं इतना ही दिखा पाया कोलकाता के बारे में, पर सबसे प्यारी जगह मैंने दिखा दी है। अभी मैं आपको स्टेशन का ओवरव्यू देता हूँ कि स्टेशन बहुत ही प्यारा है। स्टेशन का आपको ओवरव्यू देता हूँ थोड़ी देर में बस। ये है हावड़ा स्टेशन का बाहरी एरिया, और सबसे भीड़ भाड़ वाली जगह यही है, यहाँ बहुत भीड़ होता है कसम से। ये है, और इधर ये छोटी सी मार्केट लगती है, इधर खाने पीने की और सब्जियाँ भी, एवरीथिंग, कपड़े भी ले सकते हो आप, हेडफोन चार्जर, एवरीथिंग अवेलेबल है यहाँ पे। और अभी अपने ट्रेन के टाइम में थोड़ा ही टाइम रह गया, तो इसलिए हम चल रहे हैं स्टेशन में एक घंटा पहले, क्योंकि हमारी टिकट कन्फर्म नहीं है, तो लेकिन वेटिंग है, तो हमको जाके उधर चढ़ के बैठना पड़ेगा पहले जाके हावड़ा का, इधर नहीं तो भीड़ बहुत हो जाएगी। तो अभी चलते हैं स्टेशन में। भाई चाउमीन खाना, क्या खाना? चाउमीन लगाओ, अंडा वाला एक फुल। और ये हावड़ा के रोड क्रॉस करके ही
इधर भाई साहब खड़ते हैं, इधर ये दुर्गा मुकेश हिंदू होटल के सामने, इधर अंडा चाउमीन हमारे लिए बना रहे हैं और ये एग रोल भी बनाते हैं और अंडा चाउमीन सिर्फ 40 रुपये प्लेट है यहाँ पे। अभी यही कोलकाता में चले जाएंगे तो यही चीज़ 70-80 रुपये प्लेट मिलती है। तो ये अभी हमारा चाउमीन आ चुका है और एक ही प्लेट मंगाया है क्योंकि हम लोग को थोड़ा थोड़ा नाश्ता करना है बस। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है, ऊपर से रेड सॉस, ऊपर से सलाद वाला डाला हुआ है, बढ़िया देखने में तो बढ़िया लग रहा है, देखते खा के कैसा लगता है। अभी स्टेशन के बाद में कुछ इशू हो गया था, तू आ जा पहले, तो दोस्तों अभी स्टेशन के बाद में कुछ तो इशू हो गया रहेगा, कौन है मेरे को नहीं मालूम, ये देखो तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन का नंबर लग गया है 1567 कामरूप एक्सप्रेस, जो कि हावड़ा से चल के गुवाहाटी तक जाती है और अभी आ भी गई प्लेटफॉर्म पे और हम चल रहे हैं फटाफट से बैठ जाने क्योंकि हमारी वेटिंग है, तो सीट तो है नहीं तो हमको पहले ही जाके बैठना पड़ेगा। मुझे पता है यहाँ का हाल कितना, यहाँ रश कितना होता है मुझे पता है यहाँ का, क्यों मैं पहले आ चुका हूँ यहाँ पर। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे हमारी ट्रेन लग रही है प्लेटफॉर्म पे और हम चल रहे हैं सबसे आगे वाली साइड में क्योंकि जनरल सबसे आगे ही होगा और जनरल का ही ले रखा है हमने, अभी जनरल की तरफ चलते हैं। बाकी यहाँ हल्ला बहुत, तो इस बोगी में बैठे हैं D2 में और हमारी वेटिंग ही है, बैठ किसी में भी सकते हैं, जनरल की वेटिंग थी तो भूल नहीं, अभी चढ़ रहे हैं इसमें ट्रेन में। मैं बैग ऑलरेडी रखाया हूँ पहले और हम लोग इस वाली बोगी में बैठे हैं और ये भाई का पहला सफ़र है और पहली बार ही मीटिंग में जा रहे हैं तो अभी तक मेरे लाइफ में कभी इतने लंबे ट्रेन सफर भी, हाँ, और इनको कन्फर्म सीट पहले सफ़र में ही नहीं है तो देखो कैसा एक्सपीरियंस रहता है मीटिंग में जाने का, और ऊपर बैठे हुए तभी हम लोग नीचे की सीट क्योंकि किसी और की होगी और देखते हैं इस ट्रेन का सफ़र कैसा रहता है। और ये ट्रेन हावड़ा से लेकर गुवाहाटी तक चलती है 1559 कामरूप एक्सप्रेस है और क्या बता सकते हैं, हम लोग जा रहे हैं हावड़ा से NCB तक यानी न्यू कूच बिहार तक, लास्ट इसका गुवाहाटी रहेगा, हाँ आसाम, और हम जा रहे हैं न्यू कूच बिहार तक जिसका फेयर हमको पड़ा है अराउंड 225 रुपये पर पर्सन और जनरल में 2S सेकेंड सीटिंग का है और हम दोनों का मिला के 450 रुपीज़ यानी 450 रुपये पड़ा है। और अभी हम लोग देखते हैं कैसा रहता है इस ट्रेन का सफर। तो दोस्तों हावड़ा इंडिया का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है क्योंकि इस रेलवे स्टेशन को आज करीब 168 साल पुराना रेलवे स्टेशन है और इसकी स्थापना 17 अगस्त 1854 को हुई थी और उसके 100 साल बाद 1954 ईस्वी में इसको इलेक्ट्रिफाइड किया गया था और आज के टाइम में जैसा कि मैंने बताया 168 साल पुराना है और यहां से हर रूट की ट्रेन मिलती है और हावड़ा का आखिरी स्टेशन है क्योंकि इसके बाद कोलकाता पड़ जाता है, वो आपको हावड़ा ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ता है और जैसे कि मैंने बताया कोलकाता और हावड़ा सेम नहीं है, दोनों में फ़र्क है, हावड़ा अपने आप में शहर है और कोलकाता अपना अपने आप में शहर है और हावड़ा ब्रिज इन दोनों को जोड़ता है और हावड़ा से आपको हर दिशा की ट्रेन मिल जाएगी, चाहे वो मुंबई की हो, चाहे चेन्नई की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे इधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हो, हर तरफ की आपको ट्रेन यहाँ से मिल जाएगी। ये बोगी का हाल है, बहुत साफ़ सुथरा है और ये जिस भाई की चप्पल सैंडल है और सबसे प्यारी बात है कि जनरल बोगी में कई बार स्विच नहीं होते लेकिन ये LHB कोच होने के कारण LH में भी हमें एक ही शॉकेट देता है पर इस वाले ट्रेन में 3 शॉकेट है
और तीनों 110 वोल्ट के हैं, मतलब लैपटॉप 110 वोल्ट में शायद से हम 110 वोल्ट में नहीं चला सकते, 120 वोल्ट चाहिए होता है। ये सिर्फ फ़ोन चार्जिंग के लिए होता है, लैपटॉप हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि लैपटॉप के लिए 120 वोल्ट चाहिए होता है। और पंखे तो ओवरऑल बढ़िया ही है, आपको पता ही, हवा तो खिड़की से ही लेनी है। और ये इधर इमरजेंसी विंडो, और भाई साहब बैठे हुए हैं, दिक्कत तो नहीं है भाई? भाई साहब बैठे हुए हैं, और उधर भी एक शॉकेट दिया हुआ है, और इधर अपना बैग है, और अपन भी ऊपर बैठे हैं तो अपना बैग इधर है, उधर अजीत भाई का था, और इधर लैपटॉप रख के बैठे हुए हैं। कैसा फील हो रहा है पहली बार ट्रेन में चढ़ के भाई? ट्रेन पे चढ़ के पहली बार एक्सपीरियंस कर। अच्छा अच्छा, अभी अभी एक्सपीरियंस, भीड़ आने तो तब बताना कैसा लग रहा है। बाकी ये बोगी का हाल है, कुछ ज़्यादा लोग नहीं चढ़े, और अभी लगभग कुछ ज़्यादा लोग नहीं चढ़े हैं। और ये पुल है जिसपे हम पैदल पैदल अभी थोड़ी देर पहले गए थे, लेकिन हमने दिखाया नहीं। और ये यहाँ की लोकल जो ये यहाँ की लोकल वाया बर्धमान के लिए, ट्रेन में भी भाई काम कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं भाई। और अभी तक लोग आ गए नीचे वाली सीट पे, मैं दिखा नहीं सकता किसी की परमिशन के बिना, और इधर कोई नहीं आया, अगर इधर आएगा तो बैठेगा, और भाई काम कर रहे हैं। और सबसे बेहतर बात होगी कि ये दे दिया है स्विच 110 वोल्ट का, इससे लैपटॉप चल रहा है। फाइनली वी गॉट मसाला टी, एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है पी के, क्योंकि चाय बढ़िया होती है पीने के लिए, ये वाली दूध वाले से बढ़िया ये चाय होती है मसाले की। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू कुछ बिहार, और यहां से घर लगभग 45 किलोमीटर दूर है, उन्होंने क्योंकि मैप भेजा हुआ था, और उसके लिए थोड़ा चेंजेस करके जाने पड़ेंगे, बस पकड़ के जाना पड़ेगा। पहले ऑटो पकड़ के बस स्टैंड कुछ बिहार के, और ये न्यू कुछ बिहार है जो स्टेशन है, और हमको जाना है कुछ बिहार बस स्टैंड में, और वहाँ से फिर पकड़ के शायद सिताई जाना पड़ेगा। सिताई वही बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब में उनका घर है दोस्त का, और हम लोग वहीं जा रहे हैं। और यहाँ काफ़ी बारिश हो रखी है, हम लोग बारिश कर रहे थे, बहुत बारिश हुई है, जम के बारिश हुई है, रात को भी सवेरे भी इतना बारिश हुई है कि ट्रेन ही लीक करने लग गई। जहाँ जिस सीट पे मैं लेटा हुआ था ऊपर, मेरे पैर के पास ट्रेन लीक करने लग गई, और फिर नीचे जहाँ बैठा वहाँ भी मेरे पैर के पास लीक कर रहा था, कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है मानसून को मिलते। तो अभी चलते हैं बाहर, ऑटो ऑटो पकड़ते हैं, चलते हैं बस स्टैंड पहले। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बस स्टैंड, और ये बस
छोटा सा बस स्टैंड है स्कूल पे यार, जो स्टेशन पड़ता है वो यहाँ पे 10 किलोमीटर दूर आउटसाइडर पड़ता है, जो न्यू स्कूल पे के नाम से जाना जाता है। और अभी हम चाय पी रहे हैं, थोड़ा बारिश भी रुकी हुई है, चाय पी के फटाफट चल पड़ते हैं बस में, तो क्या पता बारिश से सुन जाते हैं, मौसम तो पूरा बने ही हुआ है। चाय पी के अभी चलते हैं बस में, सिताई की बस पकड़नी है। NBSTC सर्विस बस में बैठे, मतलब नॉर्थ बंगाल सर्विस ट्रांसपोर्ट ऐसे कुछ है इसका मतलब। और अभी हम बस में बैठ गए यहाँ से जाने के लिए दिनहटा, क्योंकि सिताई की बस डायरेक्ट नहीं मिलेगी, तो दिनहटा से हमको फिर से ऑटो पकड़ना पड़ेगा, और फिर उसके बाद सिताई में उनका घर है, जिन दोस्त जा रहे हैं। दोस्तों अभी हम दिनहटा पहुंच गए हैं, और अभी ऑटो के जाने में थोड़ा रख दो दिन, ऑटो के जाने में टाइम था, क्योंकि यहां से करीब सिताई करीब 24 किलोमीटर है, और 30% लगता है, मतलब 30 रुपया लगता है। और उससे पहले हमने सोचा नाश्ता कर ले, अभी टाइम लगेगा जाने में। और ये है हमारा आज का नाश्ता, परोठा और सब्जी, और सबसे यूनिक बात यह है कि यहाँ 5 रुपये पीस है परोठा, और ये देखो सब्जी, साथ में सब्जी भी, दो परोठा और सब्जी 10 रुपये का है बस। तो अभी करते हैं नाश्ता और फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों आज का हमारा लंच यहाँ हम लोग कर रहे हैं विप्लव भाई के घर पे। आप लोगों को नहीं पता होगा विप्लव भाई कौन है, मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा आगे वीडियो में। और ये भाई साहब एक और साथ में है, विप्लव भाई के दोस्त हैं, और गुड्डू भाई गुड्डू भाई है। और अभी इनकी इनका चेहरा अच्छे से नहीं आ रहा, उधर सनलाइट आ रहा ना। और ये विप्लव भाई, इन्होंने हमारे लिए खाना बनाया, इनके मम्मी पापा है नहीं घर पे, फिर भी इन्होंने खाना हमारे लिए बनाया, भाई बहुत शुक्रिया। और इधर भाई अपने, अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, और खाना खा के हम लोग जाएंगे बाहर गांव का शहर करने और देखेंगे बंगाल के गांव कैसे हैं। तो दोस्तों अभी मैं बैठा हुई जगह खेत में, और ये देख सकते हो कि इन धान के उस पर फूल नहीं है, और इन पे धान की फसल आ गई है, फूल आ गया है। इसमें फ़र्क पता क्या है, एक होता है सठई धान कहते हैं बिहार में, अब इधर क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता, जो 60 दिन में हो जाता है, और बाकी धान होने में करीब 90 दिन से 120 महीने लगते हैं। तो मेरे हिसाब से ये वाला धान जो है वो सठई है, तभी 60 दिन में हो जाएगा, और ये वाले धान 90 से 120 दिन में होते हैं, तो 90 से 120 दिन में होंगे। तो हम लोग अभी यही सब घूम रहे हैं, खेत वेत घूम के देख रहे हैं, जो जिस फ्रेंड के घर आए हैं और वो उधर बैठे हुए हैं जिधर फिशिंग लोग कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ देखने वाली है, हमारे यहाँ बिहार में जब फिशिंग करते हैं ना, तो बांस का डंडा यूज़ करते हैं उसको फिशिंग करने के लिए, और यहाँ पर लोहे की वो है, क्या कहते हैं उसको, फिशिंग रॉड, एग्जैक्टली रॉड है, नहीं इधर पानी है। काफ़ी मॉडर्न है लोग, हर चीज़ में मॉडर्न, वैसे तो इनका गांव काफ़ी मॉडर्न हर चीज़ में।
पानी 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 कितना हो गया। रॉन्ग रूट पे आ गए थे। तो अभी चल रहे हैं जहाँ वो लोग फिशिंग कर रहे हैं, देखते हैं। कुछ मछलियाँ अभी पकड़ी हुई है पहले से ही। अब भी क्या पकड़ी, अभी मेरे ख्याल से एक भी मछली नहीं पकड़ी, क्योंकि मछलियाँ आई नहीं रही हैं। मछलियाँ भाई साहब कह रहे थे कि मछलियाँ कहाँ चली गई, धान में चली गई हैं। धान में चली गई अभी पानी। हाँ, दो दिन पहले हम लोग एक किलो का मछली पकड़ लिया है। अच्छा, ठीक है। अभी नहीं है, अभी वो जो मछली है ना, अंडा बच्चा देगा। अच्छा, इसलिए धान खेत में। तभी मैं बता रहा था ना कि धान के खेत में भी मछली हम पकड़ते थे पहले, तो उससे कि गरई मछली यहाँ होती है कि नहीं पता नहीं। हाँ, अभी नहीं है, इसलिए इसलिए वो पानी के बहाव के साथ निकल गए हैं। आज की शाम तो बहुत खूबसूरत रही, क्योंकि हम सवेरे ही आए थे 11 बजे करीब में। और विप्लव भाई ने खाना भी बहुत अच्छा परोसा था, आपको दिखाया था, मैंने देखा हुआ है आपने। और अभी हम लोग जाएंगे घर थोड़ी देर में, और कल पूरा विलेज अच्छे से एकदम बारीकी से मैं कवर करूँगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, क्यों हावड़ा से चलता आ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो में। और इस अगली वीडियो में ये भी रहेंगे भाई, क्योंकि ये मेरे को विलेज कल घुमाने वाले हैं पूरे अच्छे तरीके से, एकदम बारीकी से। और बहुत सी चीज़ें हैं विलेज में, और मैं दिखाने वाला हूँ विलेज लाइफ कैसी है नॉर्थ बंगाल की। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर ले चैनल ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगती वीडियो आपको। बाय बाय।